अडानी ग्रुप पर साल भर से छाए काले बादल अब छटते दिख रहे हैं। ग्रुप को भारत के सुप्रीम कोर्ट और एक अमेरिकी एजेंसी से लगभग क्लीन चिट मिलती दिख रही है, जिस कारण कंपनी बाजार में कमाल कर रही है। अब खबर आ रही है कि कंपनी का एबिट्टा बढ़ रहा है। अडानी ग्रुप ने सोमवार को कहा कि सेब से लेकर हवाई अड्डों तक फैली उसकी पोर्टफोलियो यानी कंपनियों का कर पूर्व लाभ या एबिट्टा चालू वित्तीय वर्ष की पहली छिमाही में 47% बढ़कर 43,688 करोड़ हो गया है। इस ग्रोथ ने पोर्टफोलियो के 26.3% के 5 वर्षीय कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, फाइनेंशियल 2019 के मुकाबले ग्रुप का एबिट्टा लगभग 3 गुना हो चुका है, यानी कंपनी ने बीते 6 महीनों में ही अच्छा खासा रिकवर कर लिया है। इतना ही नहीं, सितंबर के अंत में ग्रुप के पास अब तक का सबसे ज्यादा 45,895 करोड़ रुपए यानी करीब $5.5 बिलियन का कैश भी मौजूद है। इसके अलावा कंपनी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस सालाना आधार पर 52% बढ़कर 37,379 करोड़ रुपए के हो गए हैं, जहां इनसे कुल एबिट्टा में 86% का योगदान देखने को मिल रहा है। इनमें यूटिलिटीज के तौर पर अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस शामिल हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट के तौर पर अडानी पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार में अडानी इंटरप्राइजेज द्वारा शुरू की जा रहे ग्रीन हाइड्रोजन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट्स और सड़कें शामिल हैं। इनसे कंपनी को बहुत शानदार परिणाम मिल रहे हैं और ये सब जो सुर बदल रहे हैं पूरे ग्रुप के, इनके पीछे है 3 बड़ी पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में हुई सुनवाई में इन्वेस्टर्स को ये इशारा मिल गया कि शायद अब अडानी ग्रुप पर छाए संकट के बादल पूरी तरह छट चुके हैं और ग्रुप पर कोई बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी को मिली बंपर जीत ने भी इस माहौल को और हवा दे दी और अडानी ग्रुप को लेकर सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए। इसके बाद खबर आई अमेरिकी एजेंसी से, जहां अडानी पोर्ट्स को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि हिंडनबर्ग के आरोप निराधार है। इन सब चीजों ने बाजार में अडानी ग्रुप को पंख लगा दिए और बस फिर क्या था। इसके बाद तो जैसे इन्वेस्टर्स को लगा कि हिंडनबर्ग का पूरा मामला फालतू का था और बस इसी सेंटिमेंट के आधार पर अडानी ग्रुप के शेयर तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़े। जो कंपनी 6 महीने के अंदर काम अच्छा करती चली जा रही थी, उस पर ये पॉजिटिव खबरें और बढ़िया इम्पैक्ट डाल गई, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होता चला गया।